Hey guys, myself Saurabh and welcome back to my YouTube channel. दोस्तों, शादी होने के बाद हर किसी के माइंड में हनीमून मनाने कहां पर जाएं, यही सवाल आता है। तो इस वीडियो में हम आपको भारत की 10 सबसे प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जो हनीमून मनाने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड बजट ट्रिप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत में आपको एक से एक बढ़कर कई खूबसूरत हनीमून मनाने की जगह देखने को मिल जाएगी, जहां पर लोग भारी संख्या में हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। शादी के बाद हनीमून मनाने जाना हर किसी के जीवन का यादगार अनुभव होता है। हनीमून मनाने के लिए अक्सर पहले विदेश की जगहें दिमाग में आती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में हनीमून मनाने के लिए कई ऐसी शानदार जगहें मौजूद है जो आपके हनीमून को बहुत ही रोमांचक और यादगार बना देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर है पौंडीचेरी। भारत में हनीमून मनाने की जगह में पौंडीचेरी एक बेहतरीन जगह है। यह स्थान खूबसूरत बीचेस और एडवेंचर एक्टिविटीज से भरपूर है, जिसकी वजह से यह स्थान हनीमूनर्स की पसंदीदा स्थान है। यहाँ के बीचेस का शांत और सुहावना वातावरण यहाँ आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। सुबह और शाम के समय बीच का नज़ारा बेहद आकर्षक और मनमोहक होता है, और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से मार्च तक की। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर है मुन्नार, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत एग्जाम्पल है। खूबसूरत पहाड़ों, अमेजिंग वाटरफॉल्स और शानदार टी गार्डन्स के लिए फेमस यह जगह कपल्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो सी लेवल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता जैसी जगह देखना पसंद करते हैं तो हनीमून के लिए मुन्नार शानदार जगह है, और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर से मार्च तक की। हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर है कुर्ग, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित। कुर्ग भी हनीमून मनाने की प्रसिद्ध जगहों में शामिल है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ ये प्लेस नेचुरल ब्यूटी का एक अमेजिंग व्यू पेश करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ का शांत और एकांत वातावरण हनीमूनर्स को बहुत ही आकर्षित करता है। अगर आप भी किसी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता जैसी जगह पर हनीमून मनाने जाना चाहते हैं तो कुर्ग जा सकते हैं, और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर से जून तक की। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर है नैनीताल। अगर आप अपना हनीमून के लिए किसी शांत खूबसूरत हिल स्टेशन जैसी जगह तलाश में हैं तो नैनीताल आपके लिए बहुत अच्छा स्थान है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। पहाड़ों से घिरी हुई नैनी झील यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो आपको दिल को सुकून कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ पर आपको एक अलग ही सुकून का एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है मार्च से जून तक की। हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक है, और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण यह दुनिया भर में यह शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग में घूमने की कई जगहें तो मौजूद हैं ही, साथ में यहाँ शॉपिंग करने का भी अच्छा चॉइस है, और यहाँ की सबसे फेमस टॉय ट्रेन का सफर का आनंद ले सकते हैं, जो यहाँ की स्वर्ग जैसी सुंदरता का सफर कराता है। यही कारण है कि हर कपल्स अपने हनीमून के लिए दार्जिलिंग की सैर करने पहुंचते हैं, और यहाँ का बेस्ट टाइम जो है वो है अप्रैल से जून तक की। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी
शिमला एक खूबसूरत लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ वातावरण हनीमूनर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और हनीमून डेस्टिनेशन में शामिल है। कालका से शिमला के लिए चलने वाली टॉय ट्रेन पहाड़ियों से गुजरती हुई प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत दृश्य पेश करती है। और यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग समर मई टू जून और ड्यूरिंग विंटर दिसंबर से जनवरी तक जा सकते हैं। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है एलेप्पी। भारत के केरल राज्य में स्थित एलेप्पी शांत और मनमोहक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह स्थान भारत के सबसे रोमांटिक स्थानों में शामिल है, जहां पर काफी संख्या में पर्यटक हनीमून मनाने आते हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत और हरा भरा सुहावना वातावरण पर्यटकों का दिल जीत लेता है। अगर आप हनीमून मनाने की जगह के बारे में सोच रहे हैं तो एलेप्पी आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से फरवरी तक की। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है श्रीनगर, जो कि सबसे अच्छे हनीमून डेस्टिनेशन में शामिल है, जो अपनी शांत और खूबसूरत झीलों और हाउस बोट के लिए काफी प्रसिद्ध है। लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान यहाँ पर आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। लोटस से सजी हुई डल लेक में हाउस बोट बहुत ही आनंददायक और मनमोहक होता है। डल झील यहाँ का बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट इज अप्रैल टू सितंबर। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गोवा। भारत में हनीमून मनाने की जगह में गोवा एक बहुत ही शानदार जगह है, जहाँ के खूबसूरत बीचों पर अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे का हाथ थामे घूमना बेहद रोमांटिक अनुभव होता है। यहाँ पर आपको कई खूबसूरत बीचेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बागा बीच, कैलंगूट बीच, अंजुना बीच और पेलोलिंग बीच जैसी बीचेस शामिल है। कई प्रकार की वाटर एक्टिविटीज के साथ यहाँ के बीचेस पर आप भरपूर मौज मस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है नवंबर से फरवरी तक की। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है मनाली। मनाली भारत के सबसे फेमस हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है, जहाँ के नेचुरल ब्यूटी और सुकून के साथ हनीमून मनाना आपके लिए अमेजिंग अनुभव होगा। आसमान छूते पहाड़ और चारों ओर हरी भरी सराउंडिंग्स हमेशा के लिए यादगार बना देता है। मनाली एक बेहद लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो हनीमूनर्स के लिए किसी भी हेवन से कम नहीं है। इस पर्यटन स्थल को भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ मनाली की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग जैसी कई एडवेंचर और रोमांटिक एक्टिविटीज का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग समर्स में मई टू जून और अगर आप स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ड्यूरिंग विंटर सीजन दिसंबर से जनवरी तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 बेस्ट हनीमून प्लेसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।